हर कामयाब इंसान की कहानी पिछे लुके होंगे हैं दुख दर्द तकलीफ। वो भावें रिजैक्शन का होवे, भावें फेलियर का, जां कुछ होर। हाँ जी दोस्तों, अज आप गल करांगे दुख दर्द ते तकलीफ बारे। दोवें जोड़ के सत श्री अकाल कबूल करो जी। तुहाडे सारयां दा साडे चैनल ज्ञान दे राही विच बहुत बहुत स्वागत है। पेन, दुख, दर्द जां तकलीफ, तुसी इस नूं कुछ भी कह लवो। किसे नूं भी दुख दा एहसास पसंद नहीं। आपां इस तों भज नहीं सकदे, ना ही इस नूं नज़रअंदाज कर सकते हैं। हाँ, कुछ देर लिए आप इस नूं लुका जरूर सकते हैं, पर कदे ना कदे ये अपने सामने आके खड़ा हो ही जाता है। दोस्तों, दुख अपना खेड़ा उदों तक नहीं छड़ेगा जदों तक आप इस नाल लड़न का मन नहीं बना लेंगे, जां फिर इसका सही सही कारण पता नहीं कर लेंदे। लगभग हर इंसान ने ही इस नूं किते ना किते महसूस जरूर किया होवेगा, भावें वह सट लगन ते, सपने टुटन ते, जां दिल टुटन ते। दोस्तों, जे मैं तुहानूं कहां कि दुख तकलीफ तो डरन की कोई जरूरत नहीं, सगों ये अपने दोस्त साबित हो सकते हैं, जे आपां समझ जाइए कि केड़ा दुख केड़ा पेन साडे लई एक्सपीरियंस करना वधिया है। जिवें कि पत्थर हथौड़े ते छैणी दा दर्द सह सह के एक खूबसूरत मूर्ति बन जाता है, जिवें कि कणक दे दाणे चक्की विच पिस पिस के आटा बनते हैं, उसी आटे तो रोटी बनती है ते ओही रोटी इंसानी दा ढिड भरती है। बिल्कुल उसी तरह आपां अपने दुखां नूं, दर्दां नूं ते तकलीफ नूं सही तरीके नाल सह के उन्हां नूं समझ के जिंदगी विच बहुत अगे वध सकते हैं। दोस्तों, जे कोई इंसान सोचता है कि अज मैं बहुत खुश हाँ, अगे जाके मैनू कदे तकलीफ होवेगी नहीं, तो वह इंसान बहुत वड्डी गलतफहमी विच जी रहा है। जे जिंदगी विच दुख दर्द तकलीफ आवे ही ना, तो दोस्तों आपां नूं खुशी दा ते सुख दा एहसास किदां होवेगा। एक दुखी है जो इंसान नूं सियाणा ते मैच्योर बनाउंदा है। तुसी कदे अपने आप नूं पुछ के देखियो, तुसी अपने चंगे समय विच ज्यादा वधिया सबक सीखे हन जां फिर अपने माड़े समय विच। दोस्तों, तुसी जिंदगी विच कुछ वड्डा करना चाहुंदे हो या नहीं, थोनू दुख तकलीफ विचों लंघ के ही जाना पवेगा। भावें वह अपने आप नूं साबित करन लई हार्डवर्किंग डेडिकेशन दा दुख, भावें जवानी विच कम ना करन करके बुढ़ापे विच बीमारी लाचारी दा दुख। जदों तक आपां जिउंदे हां, दुख दर्द तकलीफ अपने नाल ही रहणगे। दोस्तों, जे मैं तुहानूं कहां कि दुखां नूं वरत के पेन नूं सह के आपां अपना बेस्ट वर्जन दुनिया दे सामने रख सकदे हां, तां कोई माड़ी गल नहीं। इहदे लई मैं तुहानूं कुछ उदाहरण दवांगा कि आपां कीहड़ा पेन एक्सपीरियंस करना है, कीहड़ा नहीं। जिवें कि पढ़ाई करन दा पेन वधिया है बजाए अगे जाके फेल होण तों, नशे छड्डन दा पेन वधिया है बजाए
ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਜਿਮ ਦਾ ਪੇਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਪੇਨ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਪੇਨ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਨ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।